आज हम बनाने जा रहे हैं मसाले वाले मूंग। उसके लिए हमने ये स्प्राउटेड मूंग लिए हैं, 1 कप लिया है हमने। हम 1 टीस्पून सॉल्ट लेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी, 3 to 4 टीस्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, और अभी हमने ये 150 ml पानी लिया है। हम कम या ज़्यादा देख के कर लेंगे। तो चलिए मसाले वाले मूंग बनाना चालू करते हैं। उसके लिए हमने प्रेशर कुकर लिया है, इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा गर्म होने दें। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें हींग डालेंगे और साथ ही में बाकी मसाले। और हम साथ में अब स्प्राउट्स डाल देंगे। हमने इसमें स्प्राउट्स डाल दिए और बाकी सारे मसाले कर दे दिए हैं, तो अब हम इसको अच्छे से स्टर कर लेंगे। इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, फिर इसमें हम पानी ऐड करेंगे। हमने इसे अच्छे से स्टर कर लिया है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमने उतना ही डालना है जिसमें ये मूंग सोख हो जाए, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमने कुकर की लिड बंद की है और इसको हाई फ्लेम पे 2 से 3 विसल तक रखेंगे। कुकर ठंडा हो गया है, अब हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए पानी सूख गया है और ये खड़े खड़े मूंग हमारे रेडी हैं। अब हम इसे सर्विंग बोल में ट्रांसफर करते हैं। ये एक साइड डिश है, इसे हम सिंधी कढ़ी के साथ भी खा सकते हैं। ये मेनली एक सिंधी डिश है, पर आप चाहें तो इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये मूंग हमने डिश में ट्रांसफर कर लिए हैं। अब हम थोड़ी सी रेड चिली पाउडर इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। तो ये रही हमारी आज की डिश, मसाले वाले मूंग। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस डिश को ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।